दोस्तों आज का जो प्लान है थंबनेल पे ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। दो बेडरूम के साथ बहुत प्यारा सा मकान ही आपका मिलेगा दोस्तों। इस प्लान को मैंने पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया है दोस्तों, ठीक है। प्लान की बात करें तो इसमें आपको दो बेडरूम मिलेगा, किचन, यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम है, सीढ़ी दिया गया है और यहाँ पे पूजा रूम दिया गया है दोस्तों। बरामदा प्लस हॉल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, अब आपको एक एक डिटेल बताएंगे। कोई नक्शा बनाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अब प्लान की यहाँ पे बात करें, जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम दिए हैं उसको मैंने येलो कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी कॉलम है 10x10 का सिंगल फ्लोर के लिए आपका कॉलम यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इस कॉलम में आपको 4 सरिया 12 mm का आपको यूज करना है। जो भी सरिया है उसको 12 mm का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बहुत लोग 10 mm का सरिया यूज करते हैं जो कि गलत है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 4 सरिया 12 mm का आपको यूज करना है दोस्तों। बाकी यहाँ पे जो बरामदे में जो कॉलम है वो आपका 8 फीट हाइट पे इस तरीके से रहेगा। अब बाहर के जो दीवार है वो 10 इंची की है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ इसको, ठीक है, ताकि कोई तोड़ कर देखिए। सेफ्टी जरूरी है, मान लीजिए अगर आप 5 इंची की दीवार रखना चाहें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम कि कोई तोड़ करके घुस जाएगा, और दूसरी कि जैसे खिड़की वगैरह आप लगाएंगे तो बाहर की दीवार पर लगेगी तो उससे दीवार में क्रैक आता है। हालांकि उसको भी एक अवॉइड एक सिस्टम होता है, उससे अवॉइड कर सकते हैं, 4 सरिये डाल के कास्टिंग कर सकते हैं, तो उससे वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आप 10 इंची की दीवार बाहर की और अंदर की दीवार 5 इंची आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। आप ये देख लीजिए, इस तरीके से आपका ये पूरा मकान हो जाएगा दोस्तों। भैया मकान बना लिया, प्लिंथ लेवल का भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कुर्सी का जो लेवल है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे आप हम हाईलाइट कर देते हैं। जो प्लिंथ लेवल है आपका, इस तरीके से यहाँ पे आपका थोड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और प्लिंथ लेवल का जो टेक्सचर है उसको भी मैं थोड़ा यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपका इसका जो टेक्सचर है इसको थोड़ा ब्राउन कलर में यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों। आप इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका थोड़ा टेक्सचर यहाँ पे ब्राउन कलर में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब भाई प्लिंथ लेवल भी बना लिया, दीवार भी बना लिया, मकान मिनट के लिए आपको सीढ़ियाँ तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी सीढ़ी, इस जगह पर आपकी सीढ़ी लग जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस जगह पे आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका सीढ़ी लग जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये आपकी सीढ़ियाँ हो जाएगी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये आपको मिलेगा बरामदा, ये पूरा आपका बरामदा इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहीं बरामदे से ही आपको एक दरवाज़ा दे देंगे, ये आपका बरामदा हो गया, यहाँ पे दिया गया है दरवाज़ा, ये आपका दरवाज़ा दिया जाएगा। यहाँ से आप एंट्री कर जाएंगे, ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा। इसको एज अ गेस्ट आप यूज गेस्ट रूम आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लगाइएगा मेन गेट, इस जगह पर आपका रहेगा मेन गेट। यहाँ से आप एंट्री का जो मेन गेट है इसको आप 4x7 का आप लगा सकते हैं, स्पेस काफ़ी आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसका मैं सब कुछ डिटेल डिस्कस करूँगा, तो पूरे वीडियो अंत तक देखें और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका किचन है, किचन का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, यल पैटर्न पर इस तरीके से किचन का प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब किचन का जो दरवाज़ा है इस पर्टिकुलर एरिया पर आपका लग जाएगा, इस जगह पर आपका किचन का दरवाज़ा आराम से यहाँ पर इस जगह पर आपका लग जाएगा दोस्तों। इसका दरवाज़ा आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आपका दिया है पूजा रूम, ये वाले हिस्से में आपका हो जाएगा पूजा रूम इस तरीके से, ठीक है। पूजा रूम बना सकते हैं, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा स्पेस तो नहीं दिया गया है, छोटा सा एक पूजा रूम यहाँ पर आपका दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो और इसके आगे बात करें यहाँ पर इस बेडरूम में, भाई अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक आपको बेडरूम देना है। इस बेडरूम का दरवाज़ा आपका इस जगह पे आपका लग जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे आपका बेडरूम का दरवाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे आपका सीढ़ी है, सीढ़ी समझ लीजिए इस तरीके से आपका सीढ़ी बनाया गया दोस्तों, ठीक है। और आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे किनारे पे लास्ट में आपको एक बाथरूम दिया गया, इस जगह पर आपका एक बाथरूम यहाँ पर दिया गया दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पूरा प्लान आपका ये हो जाएगा दोस्तों। और मकान बनने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। खिड़की वगैरह आप चारों साइड यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से आप चारों साइड लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट से आप एंट्री करेंगे तो ये आपको बरामदा मिलेगा, बरामदे से एक दरवाज़ा दिया गया है और ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा, ठीक है। इसका दरवाज़ा आपको बरामदे से दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा मेन गेट, मेन गेट से एंट्री करेंगे, ये आपका रहा किचन, किचन समझ लीजिए इस तरीके से है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है आपका पूजा रूम, ठीक है, ये आपका पूजा रूम। पीछे की तरफ आपका एक दूसरा बेडरूम, ये दिया गया है सीढ़ी, सीढ़ी समझ लीजिए कैसे बनाया गया है। ऊंचाई हमने जो है 7 इंची रखा है, थ्रेड जिस पे पैर पड़ेगा उसको 9 इंची रखा है। और चौड़ाई की बात करें 2 फीट 10 इंच है और ये सीढ़ी आपका इस तरीके से मिलेगा। पीछे आपको एक बाथरूम इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। चलिए साइजेस वगैरह आपको बताते हैं कि किस साइज़ में क्या चीज़ कैसे रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो अब फ्रंट की अगर बात करें यहाँ पर,
तो 27 फीट इस तरीके से जो जगह का आपका चौड़ाई है 27x30 में आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो गेस्ट रूम दिया गया है 11.5x12 का, जो कि पर्याप्त है, आपको स्पेस की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 7 फीट 10 इंच x13 फीट 9 इंच का आपको ये बरामदा एरिया। 4.5 फीट का ये पैसेज आपका दिया गया, जिसमें आप दरवाज़ा आराम से 4 फीट का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किचन की बात करें तो 8x6 का आपको इस तरीके से किचन आपका दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका बेडरूम ये वाला दूसरा वाला, और इसका जो साइज़ है 11x12 का है, ठीक है। और ये आपका पूजा रूम 4.5x5 का आपका पूजा रूम हो गया। सीढ़ी समझ लीजिए इस तरीके से, आपको सीढ़ी 2 फीट 10 इंच में है, और टोटल लेंथ की बात करें 10 फीट 10 इंच है। यहाँ से दूरी जो ली गई है 7 फीट 4 इंच है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो बाथरूम है 5 फीट x4 फीट का आपका बाथरूम है। लॉबी एरिया की अगर बात करें तो आप देख लीजिए 10 फीट 1 इंच इस तरीके से, और 6.5 फीट इस तरीके से आपका रहेगा। ये इस तरीके से पूरा ये प्लान आपका हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में दिया है, कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।